सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपये आने वाले, जरा घी लगा के रोटी खिला। क्या बात है। ऐसे मंच से हमारे सीएम साहब बोले कि अब बहू भी सास भी रोटी में घी लगा कर खाएंगी। मैं सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ, जब गेहूँ ही नहीं मिलता, रोटी ही नहीं बनती, तो घी किस में लगाएंगे? मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो अब मैं कर रहा हूँ। मैंने योजना बनाई लाडली बहना योजना। लाडली बहना, कल ही मैंने इसकी घोषणा की है। और लाडली बहना योजना में बहन को अपने घर के खर्चे की जरूरत के लिए फल खाना है, सब्जी खाना है, दूध पीना है, दाल खरीदना है, कोई घर के और जरूरी काम करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे बोल का बताओ बहनों, पड़ती कि नहीं पड़ती है? तो अब सुन लो, तुम्हारा भैया अपनी लाडली बहना के लिए 1000 रुपया महीना हर महीना खाते में डालेगा। जब ये 1000 रुपये और मिलेंगे तो घर में इज्जत और बढ़ जाएगी। सास भी कहेगी बहू के 1000 रुपये आने वाले, जरा घी लगा के रोटी खिला। क्या बात है। और सासू जी को भी मिलेंगे तो बहू भी सोचेगी कि 1000 तो ये आ रहे हैं, पेंशन के मिल गए होंगे तो 600, वो 1600 आएंगे, तो सासू जी के पांव वाव भी दबाएगी। तो सास और बहू के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। मैंने ये देखो, ये मजाक की बात नहीं, अंतरात्मा से योजना बनाई। बाकी कहीं पैसे की कटौती करनी होगी कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो और लाऊंगा, लेकिन अपनी बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। मैं जिला पंचायत सदस्य भुवनेश्वरी सिंह खाद्यान्न के बारे में बोलना चाहती हूँ। जैसे मंच से हमारे सीएम साहब बोले कि अब बहू भी सास भी रोटी में घी लगा कर खाएंगी, क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आएगा, तो ये बताइए, मैं सीएम साहब से पूछना चाहती हूँ, जब गेहूँ ही नहीं मिलता, रोटी ही नहीं बनती, तो घी किस में लगाएंगे? घी कैसे लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। घी कैसे लगेगा? शक्कर बंद हो गया, मिट्टी तेल बंद हो गया, गेहूँ बंद हो गया, अगर फिंगर नहीं लगा तो चावल भी बंद हो जाएगा। फिंगर नहीं लगा तो चावल भी बंद हो जाएगा।